पास में एक क्वेश्चन है कि देखो जैसे ये है, इसको हम पॉजिटिव, इसको ऊपर, इसको ओरिजिन कहते हैं, ये जो यहाँ पर दोनों कार्टेशियन जो कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल, ये तो है हॉरिजेंटल और ये है वर्टिकल। वर्टिकल वाले को तो ये वाई एक्सिस कहते हैं, इस वाले को, और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके इस तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इससे इस तरफ होते हैं वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिजन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टिजन प्लेन। तो इसके अंदर इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय लाइन, इनसे मिलकर के ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, इसको क्यू यू ए टी आर एन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव। सेकंड के अंदर ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। कौन सा एक्स एक्सिस इसके अंदर क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। इसके अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ, इस तरफ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पेयर ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस लाइन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो ईच टू लाइन्स, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स इज क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में सी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट देयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ये यहाँ पर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड होरिजन, ठीक है, होरिजन। द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल प्लेन इज वाई एक्सिस। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो यहाँ से शुरू करेंगे, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजन, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लाइन को, इस लाइन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती है, दैट इज कॉल्ड ओरिजन। फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यहाँ पर ये डायग्राम है 3.14 और इसके अंदर कोऑर्डिनेट बी का, बी के कोऑर्डिनेट बताने, ये बी कोऑर्डिनेट है, ये बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहाँ पर आई, 1, 2, 3, 4, -5, पहले तो ये लिखते -5, एक्स एक्सिस इस लाइन के पहले लिखते, फिर यहाँ पर कौन सा है, ये कॉमा, यहाँ से ए कौन सा है, ये तो हो गया बी, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसमें सी को देखो, यहाँ पर 1 x-axis को देखिए, इस वाले तो 1, 2, 3, 5 पॉजिटिव साइड में है, तो ये 5 कॉमा, ये नेगेटिव साइड में, इसके अंदर ये भी कितना है, -5, ऐसे लिखना, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3 और -5 कहाँ पर दिख रहा है, ये थर्ड वाला -3 देख, 1, 1, -3 और फिर क्या कह रहा है, ये -5, -5, ये इससे और इससे मिलके क्या बन रहा है, ई बन रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ई। थर्ड वाले का क्या रहेगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड
by the coordinates minus 3 minus 5 is E. ठीक है, ये आंसर ऐसे लिख, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिख, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड माइनस 1. ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड माइनस का 2 ये रहा 1, इसमें दिख रहा है, और फिर माइनस 4 पॉइंट, क्या है ये जी? तो इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 माइनस 4 इज क्या है जी, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी. ठीक है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यू. तो ये डी है, ये रहा पॉइंट, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसकी एब्सिसा की वैल्यू क्या है, इसका आंसर इज 6. द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू. तो यहाँ पर एच कहाँ पर है, इसमें ये एच, एच ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी इसके ऊपर की, नहीं, कितनी है -3. एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा यानी कि 6 एक्स के ऊपर जो वैल्यू. ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच क्या है, इसका ऑर्डिनेट यानी वाई, एक्स की वैल्यू देखें तो इधर, वाई की वैल्यू देखें तो ये ऑर्डिनेट बोल रहा, तो ऑर्डिनेट का मतलब ये -3 इज -3. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा भी बताना है और ऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू. एल कहाँ पर है, एल इसके अंदर देखो, एल यहाँ पर है, एल समझ में आ रहा है, एल यहाँ पर है. तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, इधर एक्स की वैल्यू देख, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है जी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो लिखी, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू तो इसके ऊपर है 5. ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स बताने, यहाँ पर 1 -3 तो एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर नीचे जाएगी तो 0 है. ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर इस पे पूरे पर कहीं पर भी जाएंगे तो वाई की वैल्यू रहेगी और इसके ऊपर एक्स की वैल्यू. फिर से देख लो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, तो ये बी, ये रहा बी के, यहाँ से देखेंगे पहले तो इसकी वैल्यू दी एक्स, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बस क्या. फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी की वैल्यू देखें, सी की पहले इसी मैंने बताया था, इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर 5 प्लस और ये इसके ऊपर -5 एंड -5. फिर क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, तो -3 ये रहा और फिर -5 क्या है पॉइंट, -3 और -5 से कौन सा आइडेंटिफाई होता है, तो -3 पहले जो आगे वाला होता है वो किस पे देखते हैं, और जो ये लास्ट वाला होता है वो किस पे देखते हैं. ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4 इज 2 एंड -4, देखो ये 2 है और ये -4, उसे ही आगे जी. ठीक है, और इसी तरीके से एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या हो गया, इसकी एक्स के ऊपर की वैल्यू, तो ये 6, ऑर्डिनेट ऑफ एच ये रहा एच, ऑर्डिनेट यानी वाई के ऊपर, माइनस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के ऊपर कहाँ पर है, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 वाई की वैल्यू पड़ेगी. इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ये कहाँ पर है आपके एम, ये रहा इसके ऊपर जो है एक्स की वैल्यू तो रहेगी -3 और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ अ नोट, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर द कॉस्ट ऑफ अ नोट बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, 10 से डबल,
write a linear equation in two variable to represent this state. Take the cost of notebook to be x and cost of pen be y. ठीक है, अब जैसे कि अब एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि नोटबुक की कॉस्ट तो है 50 रुपीज और पेन की कॉस्ट कितनी रहेगी याद? ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ है नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, डबल है किससे, पेन से। तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो नोटबुक हो गई और ये पेन हो गया, ये 25 का है तो ये डबल है। अगर मेरे को इसको इक्वल लिखना है तो कैसे लिखूंगा, किसको मल्टीप्लाई करूंगा, पेन, तभी जाकर के इक्वल हो पाएगा ना ये। ठीक है, तभी तो इसके बराबर आएगा पेन कॉस्ट। पेन किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट किसकी, पेन कॉस्ट को से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके बराबर आएगा। तो ये तो एग्जांपल दिया मैंने, नोटबुक की कॉस्ट एक्स है और पेन की कॉस्ट कितनी है वाई। तो इन दोनों को इक्वल लाने के लिए मैं किसको, पेन को से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इक्वल होगा ये, एक्स इज इक्वल टू वाई और 2y को मैं इधर लेकर के आऊंगा, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर, बस ये आंसर। तो ये y है, ये इसका ये x जो है डबल है, यानी y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x इज इक्वल टू 2y होगा, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है।